अगर कोरोना के मुश्किल वक्त में आपकी नौकरी छूट गई है तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोदी सरकार अब आपके लिए एक शानदार स्कीम लेकर आ रही है, जिसके तहत जिन लोगों की नौकरी छूट गई है उन्हें घर बैठे सैलरी मिलेगी। आपको बता दें कि इस तरह के लोगों के लिए सरकार अटल बीमित कल्याण योजना यानी कि ABKY योजना को शुरू करने के लिए कैंपेन शुरू करने जा रही। इस योजना के लिए सरकार विज्ञापन देगी ताकि इस योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सके। इस योजना के बाद कोरोना संकट में नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों को राहत मिलेगी। जिन लोगों की नौकरी छूट गई है वो लोग अब ABKY के तहत अपने वेतन का 50% तक बेरोजगारी राहत पाने के लिए दावा कर सकते हैं। साथ ही जिन लोगों को दोबारा नौकरी मिल गई वो लोग भी इसका फायदा ले सकते हैं। आपको बता दें कि इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक दिसंबर तक ESIC मेंबर्स इसका फायदा उठा सकते हैं। नए सोशल सिक्योरिटी कोड कानून के तहत सरकार ने ये भी फैसला किया है कि वो SIC की सेवाओं का दायरा देश के सभी 740 जिलों में बढ़ाएगा। श्रम मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए आयुष्मान भारत स्कीम के तहत पंजीकृत अस्पतालों और थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडरों के साथ गठजोड़ किया गया है। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको ESIC की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस योजना का फायदा उठाने के लिए आपको कर्मचारी राज्य बीमा निगम की वेबसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड करके अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन होने के बाद अगर आपकी नौकरी छूट जाती है तो इस योजना के तहत नौकरी के छूटने के बाद 2 साल तक आपको एक निश्चित आर्थिक मदद मिलेगी। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि इस योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है। तो आपको बता दें कि अगर आप संगठित क्षेत्र में नौकरी करते हैं और आपकी कंपनी आपका PF या ESI हर महीने आपके वेतन से काटती है तो आप इसके लिए पात्र हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर किसी गलत व्यवहार या फिर किसी निजी कारण या फिर किसी कानूनी कार्रवाई के चलते आपकी नौकरी छूट जाती है तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं उठा सकते। आपको बता दें कि नौकरी छूटने के 30 दिनों के बाद ही इस स्कीम के लिए अब आवेदन किया जा सकता है। पहले ये समय सीमा 90 दिनों की थी। आपको इस स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आपके आवेदन को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के बाद आपके बैंक खाते में रकम ट्रांसफर की जाएगी। तो अगर कोरोना के इस मुश्किल वक्त में आपकी नौकरी चली गई है तो परेशान ना, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए आवेदन कीजिए और मोदी सरकार की इस योजना का लाभ उठाइए।